क्वेश्चन है उत्तर दर्पण में वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब बनाना है, प्रकृति को बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है बड़ा भी पूछ सकता है, छोटा भी पूछ सकता है। आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है केवल फिगर बनाने के लिए पूछ रहा है, दो नंबर में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आप हेडिंग दीजिएगा उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। क्वेश्चन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए सबसे पहले आप उत्तल दर्पण बनाइएगा। वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचिएगा जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहाँ काटेगा उसको कोल। किसी भी त्रिज्या से दाईं ओर एक चाप काटिएगा फोकस, और इतना ही दूरी पर एक और चाप काटिएगा पकड़ तक। फिर उसके बाद से वस्तु को रखना है अनंत और ध्रुव के बीच में, तो वस्तु दाईं ओर बाईं ओर कहीं भी रखिएगा तो अनंत और ध्रुव के बीच कहलाएगा। वस्तु को रखने के बाद से वस्तु के शीर्ष से कितने किरण खींचेगा, दो। पहली किरण प्रधान अक्ष के समांतर खींचते हैं जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर जाता है। यह फोकस जो है समझ लो जो लड़का बात मत करो, यह फोकस जो है काल्पनिक भाग में, इसलिए कल्पना से किरण को डैश के द्वारा बढ़ाएंगे, वास्तविक रूप से किरण इधर मुड़ जाएगी। दूसरे किरण जो ले जाते हैं प्रकृति केंद्र से ले जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वास्तविक भाग है लेकिन इसके बाद जो है काल्पनिक भाग है, इसलिए कल्पना से डैश के द्वारा किरण को बढ़ाएंगे, प्रकृति केंद्र की तरफ ले जाएंगे। यही दूसरी जो किरण है पहली किरण को जहाँ काटेगी वही वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बन जाएगा। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को खींचेंगे, जहाँ शीर्ष का बना उसी के ठीक सामने आधार का बन जाता है। इस तरह से प्रतिबिंब बन जाता है, कोई डाउट नहीं ना प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के बाद से इसमें प्रकृति को लिखा जाता है, तो प्रकृति में पांच चीजें लिखी जाती है। बताइए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक रूप से किरणों कितने बन रहा है, काल्पनिक रूप से काल्पनिक, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बना। काल्पनिक प्रतिबिंब बताइए वस्तु सीधा होता है उल्टा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक बना सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, छोटा। और दर्पण के किधर बना, दाहिने, और कहां बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण में यदि वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा, वस्तु से छोटा, दर्पण के दाईं ओर, और फोकस और ध्रुव के कहां बनता है, बीच बनता है। फटाफट नोट।